हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजिद के ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारा ऑटोकैड में प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गया है, क्योंकि दोस्तों हमारी धीरे धीरे बेसिक्स कमांड ऑटोकैड में कंप्लीट होती जा रही हैं, और मैं चाहता हूं दोस्तों हम अपनी उन कमांड्स पर प्रैक्टिस भी साथ के साथ करते चलें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने एक्सरसाइज 1 में एक सिंपल सी ड्राइंग पर प्रैक्टिस की थी। आज भी दोस्तों हम प्रैक्टिस करेंगे एक नई ड्राइंग पर। जी हाँ दोस्तों, वो है कनेक्टिंग रोड। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं साइड में कनेक्टिंग रोड है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी ड्राइंग पर प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं ऑटोकैड के अंदर इस ड्राइंग पर प्रैक्टिस। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम कनेक्टिंग रोड की ड्राइंग पर प्रैक्टिस करेंगे। यह आपके सामने पिस्टन की कनेक्टिंग रोड है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, लाइक सभी का रेडियस, जहाँ पर रेडियस है, और सभी के यहाँ पर डिस्टेंस जैसे कि यहाँ पर दी हुई है। ये जो डॉटेड लाइन है दोस्तों, ये सेंट्रल लाइन है। तो चलिए ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इधर का पार्ट बनाएंगे, तो उसके लिए सर्कल कमांड लेंगे। सर्कल कमांड लिया दोस्तों, सबसे पहले हमने 12.5 रेडियस का ये जो सर्कल है, ये सर्कल बनाएंगे। उसके बाद ये 16 रेडियस का सर्कल जो है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये सर्कल बनाएंगे। तो दोस्तों सर्कल कमांड पे क्लिक किया है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल यहाँ पर क्लिक किया है, 12.5 रेडियस मैंने यहाँ टाइप किया है। अगेन एंटर किया है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल यहाँ पर क्लिक किया है, अब की बार 16 रेडियस मैंने कमांड लाइन में टाइप किया है, एंटर किया है। तो देखेंगे दोस्तों मेरे ये दोनों सर्कल बन गए हैं। अभी दोस्तों इन सर्कल की सेंटर लाइन से यहाँ तक 70 डिस्टेंस दी हुई है, और उसके बाद ये दोनों सर्कल बने हुए हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 70 mm की। लाइन कमांड पर क्लिक किया है, सेंटर पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया है, उसके बाद माउस को राइट डायरेक्शन में किया है और डिस्टेंस डाली है 70, एंटर किया है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये 70 की लाइन भी बन गई है। अब दोस्तों हम ये दोनों सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक 5 रेडियस का है और दूसरा 7.5 रेडियस का है, लाइन के इस पॉइंट पर। तो सर्कल कमांड ली है, सेंटर पॉइंट इसको लिया है दोस्तों, यहाँ क्लिक किया है। पहला सर्कल है दोस्तों हमारा 5 रेडियस का, तो 5 टाइप किया है, एंटर किया है। अगेन सर्कल कमांड ली है, दूसरा रेडियस है दोस्तों 7.5 का, तो 7.5 मेजरमेंट ली है, एंटर किया है। तो देखेंगे दोस्तों ये दोनों सर्कल हमारे बन गए हैं। यहाँ पर ये दोनों सर्कल भी बन गए हैं और ये दोनों सर्कल भी, जैसे कि इतना ऑब्जेक्ट ये एक तरह से बन गया है। अब आता है दोस्तों हमारा ये बीच वाला पोर्शन, ये मिडिल में जो ये पोर्शन दिया हुआ है, इसको ड्रॉ करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या दी हुई है। जैसे कि ये इन दोनों सर्कल की जो ये सेंट्रल लाइन दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दी हुई है 20, अगेन यहीं से यहीं तक डिस्टेंस दी हुई है 40। तो हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे ये दोनों सर्कल बनाने के लिए। कैसे करेंगे दोस्तों, लाइन कमांड पे क्लिक किया है, एक यहाँ पर छोटी सी हमने लाइन बना ली है। ऑफसेट कमांड ली है दोस्तों, कमांड लाइन में टाइप किया है पहले 20 का ऑफसेट, एंटर किया है, ये 20 का ऑफसेट बन गया है। अगेन ऑफसेट कमांड ली है, अब की बार हमने ऑफसेट लिया है 40 mm, एंटर किया है, लाइन को सेलेक्ट किया है, माउस को राइट डायरेक्शन में किया है, यहाँ क्लिक किया है और एक एंटर किया है, ये दोनों लाइन बन गई है। मींस हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट बन गया है, ये दोनों पॉइंट, ये और ये। अब हम इस पॉइंट पर दोस्तों एक 4 रेडियस का सर्कल बनाएंगे और इस सेंटर पॉइंट पर एक 2.5 रेडियस का सर्कल बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले 4 रेडियस का सर्कल के लिए सर्कल कमांड ली है,
यहाँ पर क्लिक किया है, कमांड लाइन में फोर टाइप किया है, एंटर किया है। दूसरा दोस्तों अगेन सर्कल कमांड ली है, यहाँ पर क्लिक किया है, अब की बार 2.5 रेडियस लिया है कमांड लाइन में, एंटर किया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इरेज कर देंगे। तो देखेंगे दोस्तों हमारा ये दोनों सर्कल यहाँ पर बन गए हैं 20 और 40 डिस्टेंस पर। अब दोस्तों इसके ऊपर ये लाइन जा रही है, ये कैसे बनाएंगे, इसके लिए दोस्तों हम लाइन कमांड लेंगे और इस सर्कल का हमें टेंजेंट पॉइंट देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे, तो देखेंगे ये सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। तो इसमें से टेंजेंट पॉइंट ये वाला ऑप्शन हम पर हम क्लिक करेंगे, देखेंगे अब इस सर्कल का सिर्फ टेंजेंट पॉइंट ही दिखा रहा है। मैंने सपोज़ यहाँ पर क्लिक किया है, अगेन यहाँ पर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों, फिर से मैं टेंजेंट पॉइंट लाऊंगा, कंट्रोल बटन प्रेस किया है, राइट क्लिक किया है और ये टेंजेंट पॉइंट पर क्लिक किया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ क्लिक किया है, अब देखेंगे ये ऊपर वाली लाइन बन गई है दोस्तों। नीचे वाली लाइन बनाने के लिए हम मिरर कमांड का यूज़ करेंगे, मिरर कमांड ली है, लाइन को सेलेक्ट किया है, एक एंटर किया है। नीचे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो दोस्तों मिरर लाइन के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, माउस को राइट डायरेक्शन में ले गया हूँ और एक क्लिक कर कर एंटर किया है। देखेंगे मेरी नीचे भी ये लाइन बन गई है। अब दोस्तों मैं यहाँ से ट्रिम कमांड ले रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक किया है और एक एंटर किया है, तो अनवांटेड पार्ट को मैं ट्रिम कर रहा हूँ। तो देखेंगे दोस्तों हमारा ये मिड वाला ऑब्जेक्ट बन गया है, यानी ये पार्ट हमारा बन गया है जो इसके मिडिल में दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें ये पार्ट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये देखेंगे दोस्तों इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पर ये लाइन दी हुई है 14 की, और इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये लाइन दी हुई है 8.5। तो हम ये दोनों लाइन दोस्तों ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन कमांड ली है, यहाँ पर क्लिक किया है, माउस को ऊपर किया है और 14 लिखा है, एंटर किया है, एंटर किया है। ये दोस्तों मेरी 14 की लाइन बन गई है, एक लाइन में 8.5 की बना लेता हूँ। लाइन कमांड ली है, यहाँ पर क्लिक किया है, माउस को ऊपर किया है और 8.5 मैंने लिया है, एंटर एंटर। तो देखेंगे दोस्तों ये लाइन मेरी बन गई है 14 की और ये लाइन बन गई है 8.5 की। अब इस लाइन को उठाकर हम मिड पॉइंट से इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पर रख देंगे और इस लाइन को उठाकर इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पर रख देंगे। तो उसके लिए मूव कमांड पर क्लिक किया है दोस्तों, लाइन को सेलेक्ट किया है, एंटर किया है, माउस ले जाएंगे, ये इस लाइन का मिड पॉइंट आ गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों इस सर्कल के हम यहाँ पर ले जाएंगे माउस, तो इसका यहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर एक क्लिक किया है दोस्तों, लाइन यहाँ के यहाँ पर आ गई है। अगेन दोस्तों हम मूव कमांड लेंगे, इस लाइन को भी उठाकर मिड पॉइंट से यहाँ पर मूव कर देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, हमें लाइन कमांड लेनी है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और एंटर करेंगे। इस लाइन को मैं फ़िलहाल अभी इरेज कर देता हूँ। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये एक आर्क दिया हुआ है 8.5 रेडियस का, तो उसे कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था सर्कल के अंदर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का ऑप्शन होता है, उसके थ्रू हम इसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर गए हैं दोस्तों, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक किया है, तो दोस्तों एक क्लिक मैंने यहाँ किया है, एक यहाँ पर, और रेडियस डाल दिया है दोस्तों 8.5, एंटर किया है। तो देखेंगे दोस्तों ये एक सर्कल बन गया है। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर, यहाँ 5 रेडियस का ये आर्क है, तो उसे कैसे ड्रॉ करेंगे, इस कॉर्नर पर अगेन
टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है, इस सर्कल पर क्लिक किया है और इस पॉइंट पर क्लिक किया है, 5 लिखा है, एंटर किया है। तो देखेंगे ये दोनों सर्कल बन गए हैं, लेकिन ये लाइन यहाँ से ज्वाइन नहीं हुई है। तो उसके लिए एक्सटेंड कमांड लेंगे, यहाँ से यहाँ पर क्लिक किया है, 1 एंटर किया है, ये लाइन यहाँ पर ज्वाइन कर दी है दोस्तों, और ये लाइन यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दी है। अब इस पार्ट को दोस्तों हम ट्रिम करेंगे, ट्रिम पे क्लिक किया है, सिंगल एंटर किया है, ये देखेंगे दोस्तों ये मेरा पार्ट बन गया है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, मेरा ये पार्ट बन गया है। अब दोस्तों इतने पोर्शन को हम मिरर करेंगे, मिरर कमांड ली है, इसको सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट किया है और दोस्तों इसको सेलेक्ट किया है, एक एंटर किया है। मिरर लाइन के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, माउस को राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे और एंटर करेंगे, तो ये हमारा मिरर हो गया है। अब दोस्तों जैसे कि देखेंगे ये अंदर का इतना पार्ट ट्रिम हुआ हुआ है, ट्रिम है, इसको हम यहाँ पर ट्रिम करेंगे, ट्रिम कमांड ली है, एंटर किया है, इतने पोर्शन को हम ट्रिम कर देंगे। ये दोस्तों देखेंगे हमारा ट्रिम हो गया है। अब दोस्तों इस सर्कल की यहाँ पर हम एक सेंट्रल लाइन बना लेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। इस लाइन को क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ बाहर ड्रैग करेंगे इसको, और इस लाइन को भी क्लिक करके यहाँ थोड़ा सा बाहर ड्रैग करेंगे। अब दोस्तों ये जो भी लाइंस दी हैं इनको हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ मैंने ये सेंटर लाइन बनाई हुई है, मैच प्रॉपर्टी में जाएंगे, सेंटर लाइन पर क्लिक करेंगे और ये प्रॉपर्टी इन लाइंस में हम डाल देंगे। तो देखेंगे दोस्तों हमारा ये ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो मैं इसकी डायमेंशन भी आपको डालकर दिखा देता हूँ। डायमेंशन में गए हैं दोस्तों, रेडियस पे क्लिक किया है, इस सर्कल का रेडियस 16 है, अगेन एंटर किया है, इस सर्कल का रेडियस 12.5 है, अगेन एंटर किया है, इस आर्क का रेडियस 8.5 है, अगेन दोस्तों इस सर्कल का रेडियस 7.5 है, इस सर्कल का रेडियस 5 है, इस आर्क का रेडियस दोस्तों हमें दिया हुआ है 5, और इस सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है हाफ सर्कल का रेडियस 2.5। ये दोस्तों हमें लाइन दी हुई थी, जैसा कि आपको पता है लीनियर में जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 8.5 दी हुई थी, अगेन एंटर करेंगे, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक हमें 14 दी हुई थी। अब दोस्तों हमारा क्या रहता है, नीचे की डायमेंशन, डायमेंशन में जाएंगे, लीनियर पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, ये आ गया हमारा 20, अगेन लीनियर में जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारा 40 दिया हुआ था, ये आ गया 40। अब दोस्तों 70 भी दिया हुआ था, वो कहाँ से कहाँ तक था, वो था यहाँ से यहाँ तक। तो देखेंगे दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया है, जो मेज़रमेंट यहाँ पर दी हुई है वही यहीं पर दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आपने देखा आज हमने कितनी इजीली कनेक्टिंग रोड की जो ड्राइंग थी उस पर प्रैक्टिस कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ड्राइंग अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ड्राइंग पर प्रैक्टिस के साथ। दोस्तों लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अगर आप घर बैठे कंप्लीट ऑटोकैड सीखना चाहते हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।
Thank you.